नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में आपकी भर्ती निकली हुई है। देखिए, इसमें आपके दो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। फर्स्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरी है आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। देखिए, अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए, टोटल वैकेंसी है 701, यानी 701 पद खाली हैं। और इसके आवेदन जो फॉर्म है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए हम इस भर्ती के बारे में, यानी इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वे 29 सितंबर से इसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। और इसके जो लास्ट डेट है वह 28 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। चलिए देखिए, इसकी जो पे एग्जाम फीस डेट, यानी एग्जाम फीस पे करने की जो लास्ट डेट है, वह भी इसकी 28 अक्टूबर है। और देखिए, इसका जो एडमिट कार्ड है जल्दी उपलब्ध होंगे, क्योंकि जो कंपनियां हैं बहुत जल्दी आपके एग्जाम कराती हैं और जल्दी ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है कंपनियों में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पोस्ट की। देखिए, जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट, यानी जूनियर इंजीनियर के जनरल और ओबीसी वालों के 1000 रुपये लग रहे हैं और SC ST वालों के 700 रुपये लगेंगे। अब बात करते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की, यानी DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की। देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपये और SC ST वालों के लिए 500 रुपये। और ये आप जो फीस है, ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी पे कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हम वैकेंसी के बारे में देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं कि इसमें कितना मांगा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, देखिएगा टोटल पोस्ट है 701। देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, देखिए जनरल के लिए है 213, ओबीसी के लिए है 32, एससी वालों के लिए है 24, एसटी वालों के लिए है 38। और यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड, यानी आपको जूनियर इंजीनियर में ट्रेड के अनुसार आपको 3 साल का डिप्लोमा मांगा जाएगा आपसे। और इसकी एज लिमिट रखी गई है 19 से 40 साल, यानी आपको 19 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। देखिए, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी भाई, आपकी 1/1/2021 पर होगी। और देखिए, एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, और आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो कैटेगरी वाइज मिलता है। जैसे कि ओबीसी को मिलता है 3 साल का, और SC ST वालों को मिलता है 5 साल का, वो PWD वालों को मिलता है 10 साल का। इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर जनरल के लिए 171 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 59, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 125। और देखिए, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद सेकंड डिवीजन, आपसे बैचलर डिग्री इसमें मांगा है कि किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे BCom, BA, BSc कुछ भी किया हो आपने, और सेकंड डिवीजन के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 1 साल का आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, इंग्लिश या हिंदी, ये आपकी 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए। और देखिए, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 40 साल, और इसकी भी जो एज कैलकुलेट होगी वह 1/1/2021 पर होगी। और एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, और आपको एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज इसमें मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका फॉर्म फिल करिए। और यदि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, छत्तीसगढ़ में जो कंपनी है पावर होल्डिंग कंपनी, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करिए। यदि जूनियर इंजीनियर के लिए हैं तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करिए। आप फॉर्म इसका ज़रूर फिल करिए यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 2022 में आप नौकरी ले सकते हो। और ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए, और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, प्राइवेट जॉब की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है।
और देखिए अभी SSC फिश 9 की जो वैकेंसी निकली है उस पर हमने पूरा वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए जो हमारी मैथमेटिक्स है वो हम एच डी यादव से कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। और हमारी इंग्लिश की क्लास भी चालू हो चुकी है, अब वहाँ से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। GK, GS, करेंट अफेयर हमारे चैनल पर सभी उपलब्ध हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।